NIOS वालों के लिए वरदान है ये। क्या है? वरदान है ये। ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो बताना, आगे की एक्सरसाइज भी करेंगे, और कमेंट करके बताओगे तो आगे करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, चलो देखो एक एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज नंबर है 22.1। किसकी है ये? NIOS क्लास 10। ठीक है, 22.1 एक्सरसाइज है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, यहाँ फिगर्स बने हुए हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी खुद करेंगे। राइट एंगल एट बी, देखो एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम है यहाँ पर ए, यहाँ बी और यहाँ पर सी, ये है 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, और यह 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर है थीटा बना हुआ, यहाँ राइट एंगल बना हुआ है, इस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे बोल रहे हैं, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट बी, बी पर राइट एंगल है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, पूरा बोल रहे हैं, फाइंड क्या बोल रहे हैं, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आगे से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को टी रेशियोज बोलेंगे, ऑफ थीटा, थीटा के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं टोटल, थीटा के वो सारे के सारे निकालने हैं, वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो मतलब तुम्हें क्या क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है साइन थीटा, तुम्हें निकालना है कॉस थीटा, टेन थीटा, पहले तो ये 3 निकालोगे, उसके बाद इन तीनों के रेसिप्रोकल कर देना, तो इनके सामने वाले मतलब जो इनके रेसिप्रोकल हैं वो आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे टोटल। तो पहले साइन थीटा बताओ, साइन क्या होता है बताओ, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, याद नहीं हो रहा, पी अपॉन एच, अगर याद नहीं हो रहा तो याद करने का एक बहुत ब्रह्मास्त्र बताता हूँ मैं, बहुत मज़ेदार तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसके साथ थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, सोना चांदी तोले, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखो ये क्या कहानी है बेटा, ये कहानी बड़ी मज़ेदार है, पता लग गया होगा वैसे कुछ लोगों को, देखो एस फॉर साइन, एस फॉर साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन क्या होता है, ठीक है, और यह है सी से कॉस, सी से cos. तो कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच, तो यह है साइन, यह है कॉस, और यह है टेन, ये 3 मिल गए, और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं, तो उल्टे वाले तुम्हें याद हो ही जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये हो गया पी अपॉन एच, कॉस हो गया बी अपॉन एच, और टेन हो गया पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, समझ आ रहा है कि नहीं, थोड़ा अलग अलग लिख दें, कॉस थीटा हो गया बी अपॉन एच, एंड टेन थीटा हो गया पी अपॉन बी, ये होता ही है, ठीक है। थीटा जैसे लग गया तो तुम्हें पता होना चाहिए तुरंत कि पी कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, कौन से वाले की बात हो रही है, ये थीटा है ना, तो इसके सामने वाली साइड ए बी, मतलब ए बी की बात हो रही है, जैसे ही थीटा लगा, जब थीटा नहीं था तो हम नहीं बता सकते थे कि परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला है कि ये वाला है, अब थीटा लग गया तो एंगल पता लग गया, और एंगल पता लग गया तो हम बता सकते हैं परपेंडिकुलर ये है, उस एंगल का परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, है ना। तो पी परपेंडिकुलर ऑफ एंगल थीटा ए बी, दैट इज ए बी अपॉन ए सी, हाइपोटेनस ए सी है। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये वैल्यू भी लगा दो, 5 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दो, रेशियो तो बताना है, तो ये हमारा रेशियो हो गया 5:13, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा निकालना हो तो बी अपॉन एस हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, बी, बी इज बी सी, बेस इज बी सी, है ना, अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन ए सी, बी सी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ये 13, तो ये हो गया 12/13। ऐसे ही 10 निकालना होगा तो 10 है पी अपॉन बी, क्या है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी, ए बी अपॉन, अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है बी सी, 12 सेंटीमीटर, हटाओ सेंटीमीटर को काट दो, रेशियो तो बताना, हो गया, ठीक है। साइन कॉस टेन आ चुके हैं, और 3 इनके रेसिप्रोकल होंगे, वो इनके साथ लिख दोगे, आगे नीचे लिख दोगे, मैं इधर लिख देता हूँ, ये याद है, याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इतना तो था, साथ में सोना चांदी तोले ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसे हटाते हैं अब, और ये मंत्र याद रखना, साइन कॉस टेन निकाल चुके हो, 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है बोलो, कॉसेक,
तो कॉसेक थीटा की वैल्यू जब साइन है पी अपॉन एच, तो कॉसेक होगा एच अपॉन पी, मतलब वो होगा ए सी अपॉन ए बी, और ए सी अपॉन ए बी मतलब 13/5 होगा। कॉसेक की वैल्यू हमेशा ऐसा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर बड़ा नीचे छोटा हमेशा। कॉसेक के बाद क्या आएगा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो एच अपॉन बी। एच क्या है, ए सी, एच इज ए सी, अपॉन बेस क्या है, बी सी। अभी थीटा एंगल की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा बस यही बेस रहेगा, यही परपेंडिकुलर रहेगा, जब तक इस एंगल की बात नहीं करेंगे। अगर बात इस एंगल की होगी तो फिर ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ध्यान रखना, सवाल ही बदल जाएगा। ठीक है, ए सी कितना हो गया, इट इज अगेन 13, और बेस कितना है 12। ये भी हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ऊपर हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ा रहता है ना, तो ऊपर से वैल्यू हमेशा बड़ी आनी है। ठीक है, और टेन का रेसिप्रोकल होगा कॉट, तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस यहाँ पर बी सी है और परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी है, तो ये वैल्यू होगी 12/5। यहाँ पर तुम ये मत सोचना ये भी इम्प्रॉपर दिखाई दे रहा है, नहीं ये प्रॉपर हो सकता है, ये वैल्यू छोटी और ये वैल्यू बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये तीन इधर रहे और ये तीन बाकी के तीन इनके रेसिप्रोकल इधर हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको। पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही इसमें तीन पार्ट और हैं जो आपको खुद करने हैं, तो करें आप लोग, ट्राई करें। यह क्वेश्चन नंबर 2 NIS की बुक से। ठीक है, अभी हमने जब 1 किया था तो उसमें सिमिलर क्वेश्चन हैं, एक मैंने आपको करा दिया है, बाकी आप वैसे ही ट्राई करें, नहीं होता तो आप कमेंट करके बताएं, उसका सॉल्यूशन भी दूंगा मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें B एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो आप सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो, एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने। ठीक है, और बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए आपका, इसका ध्यान रखना कि जो बोल रहे हैं ना उसी हिसाब से करना, अगर आप कहीं भी 90 डिग्री बना दोगे तो वो गलत हो जाएगा, तो एंगल बी ही 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब ए और सी किसी को भी ले सकते हो, ए और सी किसी को भी बोल सकते हो। बी सी कितना है, 5, बी सी इज 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और साथ में इन्होंने दिया हुआ है ए सी भी, और ए सी ना दिया होता तो निकाल भी सकते थे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल भी सकते थे, ये 41 रूट में 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, तीनों साइड दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए, इससे किसी क्वेश्चन हो सकता है क्या, नहीं। अभी आपने जो पीछे किए हैं बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हैं ये भी। अब देखो यहाँ ट्राइंगल में क्या है, यहाँ पर अभी तक आपको ट्राइंगल दिया हुआ था, तीनों साइड यहाँ पर लिख के दे रखी थी, यहाँ पर क्वेश्चन की थ्योरी इस तरह से लिखी हुई है और उसको आपको डायग्राम में कन्वर्ट करना है। पहले डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया, अब आप इजीली बता सकते हो साइन ए, साइन क्या होता है बताओ, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर किसका देखना है, एंगल ए का परपेंडिकुलर, ये जो ए यहाँ पर एंगल है ना उसी का परपेंडिकुलर देखना है, हाइपोटेनियस आपको पता एक ही रहता है लेकिन परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं एंगल के हिसाब से। ठीक है, सी एंगल का परपेंडिकुलर ए बी है, अपोजिट साइड। ठीक है, और ए एंगल का परपेंडिकुलर बी सी है, उसके अपोजिट साइड, अपोजिट को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर ऑफ एंगल ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, बी सी अपॉन हाइपोटेनिस इज ए सी, हाइपोटेनिस क्या है यहाँ पर, ए सी है, 90 के सामने हाइपोटेनिस होता है हमेशा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट यही लिख देते हैं आंसर, बी सी की वैल्यू कितनी है बताओ, बी सी कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ये है रूट 41। ठीक है, सेंटीमीटर आप काट भी सकते हो, तो रूट 5 अपॉन रूट 41, ये हमारा आंसर हो गया, साइन ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसी तरह से कॉस ए निकाल दो, अब बताओ कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कौन से एंगल का बेस, एंगल ए का, ए एंगल ये है, इसका बेस कौन होगा, बेस होती है साथ वाली साइड, एडजेसेंट साइड, तो बेस है ए बी, बेस इज ए बी, एंड हाइपोटेनियस तो वही सेम ए सी, हाइपोटेनस तो हमेशा 90 के सामने होता है ना, ए बी कितना है, इट इज 4 एंड ए सी इज रूट 41, तो ये हो गया हमारा, कॉस ए की वैल्यू होगी, है ना। और क्या निकालना है, तीसरा टेन ए, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल ए का परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालना है, एंगल ए का परपेंडिकुलर, एंगल ए का परपेंडिकुलर उसके सामने मिलेगा आपको बी सी। ठीक है, और बेस, बेस एंगल ए के साथ में ए बी। ठीक है, बी सी कितना है 5 और बेस कितना है 4, तो ये आ गया 10 ए। ठीक है, इतना ईजी था ये क्वेश्चन नंबर 2, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया है, इन राइट, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल ये बना लेते हैं वापस, ट्राइंगल बना लिया हमने ये। ठीक है, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल, इसका ध्यान रखना बी पर हमेशा राइट एंगल रहना चाहिए, अगर वो बोल रहे हैं बी पर रहना चाहिए तो बी पर ही रहना चाहिए, ए इधर बना दो सी इधर बना दो। ठीक है,
और अब क्या कह रहे हैं, ए बी की वैल्यू 40 है, ए बी क्या है, ए बी रहा ये 40 सेंटीमीटर आपके पास, बी सी इज 9, बी सी ये हमने बड़ी बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, और ए सी की वैल्यू 41, ए सी इज 41 सेंटीमीटर। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, कॉट सी, कॉस ए, कॉट ए, ये वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक है, आपको सभी चीज़ पता है। देखो सी एंगल ये रहा हमारा सी एंगल, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा उसके सामने ए बी और बेस होगा बी सी, सी एंगल के लिए, ठीक है, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी और बेस है बी सी, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बी सी और बेस है ए बी, और ए सी हाइपोटेनस है दोनों के ही लिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, साइन सी, साइन सी ये हमारा सॉल्यूशन है, साइन सी, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कौन से एंगल का, सी एंगल का, सी का परपेंडिकुलर देखना है तुम्हें, सी का परपेंडिकुलर है ए बी, ये लिख दिया हमने ए बी, हाइपोटेनियस सबको पता ही है ए सी है, ठीक है, कितना ईजी है भाई, बहुत ईजी है, ए बी कितना है 40 है और ए सी कितना है 41, लो जी लो हो गया आंसर, साइन सी की वैल्यू आ गई। दूसरा क्या निकालना है, कॉट सी, कॉट सी, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये जरूर याद कर लेना, कुछ बच्चे कहेंगे कहाँ से आ रहे हैं, मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, इसी वीडियो में बताया हुआ है, लास्ट में नहीं, क्या बताया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। अब इनका क्या मतलब होता है भैया, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन, ठीक है, साइन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, रेसिप्रोकल, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट, तो अगर तुम्हें साइन की वैल्यू चाहिए तो पी अपॉन एच, और कॉसेक चाहिए तो एच अपॉन पी, कॉस चाहिए तो बी अपॉन एच, और सेक चाहिए तो एच अपॉन बी, टेन चाहिए तो पी अपॉन बी, कॉट चाहिए तो बी अपॉन पी, हमें तो कॉट चाहिए, बी अपॉन पी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कौन से एंगल का बी और पी, कौन से एंगल का चाहिए, सी एंगल का, सी एंगल का बी, बी मतलब बेस, सी एंगल का बेस कौन सा होगा, बी सी, बेस हमेशा साथ वाला, ये एंगल के साथ में चिपका हुआ जो चिपकी हुई जो साइड रहती है उसी को बेस बोलते हैं, और एंगल के अपोजिट जो होता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो यहाँ हो गई बी सी और अपोजिट साइड है हमारी ए बी, ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मेंशन भी किया हुआ है, पी फॉर परपेंडिकुलर, उसकी जगह उन्होंने अपोजिट साइड लिखा हुआ है, अपोजिट साइड, एंगल सी की अपोजिट साइड, और बी फॉर बेस, बेस को क्या बोला है, एडजेसेंट साइड, एंगल सी की एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट माने चिपकी हुई साइड, एंगल सी की चिपकी हुई साइड, ठीक है, चलो जी, बी सी की वैल्यू कितनी है, 9 है, बी सी 9 है, और ए बी कितना है यहाँ पर 40, ये हो गया हमारा कॉट सी की वैल्यू। उसके बाद क्या निकालें आगे, कॉस ए, कॉस ए, कॉस क्या होता है, देखो कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कौन से एंगल का बेस, ए एंगल का, इस बार ए एंगल का लेना है, ए एंगल का बेस कौन होगा, उसके साथ वाली एडजेसेंट साइड ए बी, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, ए सी, तो ए बी की वैल्यू 40 और ए सी इज 41, वेरी गुड, देखो साइन सी कॉस ए इक्वल आ रहे हैं, ऐसा ही होता है, एक एंगल का साइन तो दूसरे का कॉस इक्वल होगा, एक का टेन दूसरे का कॉट इक्वल होगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है आगे, कॉट ऑफ ए, ए एंगल का कॉट, कॉट क्या होता है, फिर से वही बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, और ए एंगल का बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो चाहिए, ए एंगल का बेस है हमारा ए बी और परपेंडिकुलर इज बी सी, ए बी कितना है, अगेन 40 और ये 9, ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने डरने की जरूरत नहीं है, आपने 4-5 क्वेश्चन कर लिए ना तो आपको सब कुछ तरीका पता लग जाएगा कि करना क्या है इन क्वेश्चन में। एक ट्राइंगल ए बी सी बना लो और बी एंगल 90 डिग्री पर रखना, बी एंगल 90 हो गया और ए और सी हमने यहाँ पर बोल दिया, ठीक है, आप ए और सी इधर भी ऐसे भी चेंज भी कर सकते थे, ए और सी ऐसे भी रख सकते हो। अब क्या बोला है, ए बी और बी सी बराबर है 2 सेंटीमीटर के, ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं 2 सेंटीमीटर, मतलब ये भी है 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ए सी की वैल्यू अगर नहीं भी दी होती आप पाइथागोरस लगा के निकाल भी सकते थे, 2√2 ही आती यहाँ पर, ठीक है, तीनों साइड पता लग गई, दो भी बताते अगर वो तो तीसरी हम खुद निकाल देते, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा जहाँ दो ही देंगे आपको, तीसरी खुद निकालनी है। अब आगे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ sec c, cosec c और cot c, ठीक है, अब बताओ फिर से वही चार्ट बनाऊं कि आप समझ रहे हो कि sec c का मतलब कि sec थीटा क्या होता है। वॉट इज sec, इट इज ऑपोजिट ऑफ cos, cos का ऑपोजिट है, और c एंगल का cos या sec की वैल्यू क्या होती है, sec की वैल्यू क्या होती है बताओ, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, cos का उल्टा होता है ना, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
ठीक है, तो सेक उसका उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कौन से एंगल का लेना है? सी एंगल का। सी एंगल ये है, ठीक है, इसका हाइपोटेनियस तो वही, चलो हाइपोटेन्यूज सेम होगा 2√2, और बेस चलो पहले लिख देते ना, लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज क्या होगा यहाँ पर AC, और बेस बेस सी एंगल का बेस, सी एंगल का बेस BC है बेटा, BC, वेरी गुड। AC अब AC की वैल्यू लगा दो 2√2, और BC की वैल्यू हमारी 2 है, 2 से 2 कट गया तो ये √2 बच गया, √2 आ गया, √2 अपॉन 1 या √2 एक ही बात है, ठीक है। तो sec C की वैल्यू आ गई। अब cosec C, cosec cosec क्या होता है? साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कौन से एंगल का? अगेन सी एंगल का। सी एंगल का हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा AC, ठीक है, वो सभी का सेम रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB है, ठीक है। अब AC की वैल्यू कितनी है? AC इज 2√2 एंड AB इज 2, वंस अगेन ये कट जाएगा तो √2 आंसर आ गया। सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्या है? cot c। cot क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेसिप्रोकल, तो हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यस, ठीक है। और सी एंगल का बेस और परपेंडिकुलर कौन सा होगा? सी एंगल का बेस है BC, परपेंडिकुलर है AB, तो BC की वैल्यू 2, परपेंडिकुलर वैल्यू ये भी 2, 2/2 दैट इज, तो भाई ये आ गया 1, cot c आ गया 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट निकाल दिए इसके, और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर ABC इज राइट एंगल्ड एट A, देखो ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये फिगर है, ठीक है, इसमें राइट एंगल बना हुआ है A पर, क्या A पर राइट एंगल है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। A पर राइट, ये कहाँ पर राइट एंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, A पर राइट एंगल है, अगर B पर राइट एंगल होता तो सवाल मतलब कि सॉल्यूशन कुछ और ही होते फिर इसके, तो राइट एंगल कहाँ पर है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान देने वाली बात, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तब तो ठीक है चलो कहीं भी लगाओ फिर, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है राइट एंगल एट A तो आपको A पे ही लगाना है, B नहीं लिख सकते, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब इनमें से जो चार ऑप्शन दिए उन्हें कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है ये बताना है हमें, कौन सा इनमें से सही है, तो देखो कौन सा सही है देखते हैं। cot c की वैल्यू निकालनी है, सभी में cot c की वैल्यू निकाल के दे रखी है, अब कौन सी वाली cot c की वैल्यू ठीक है? cot क्या होता है बताओ मुझे? tan का रेसिप्रोकल, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot क्या होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot क्या होता है? कौन से एंगल का देखना है? सी एंगल का देखना है, सी एंगल कहाँ है? सी दिस सी एंगल, ठीक है, सी एंगल का cot, cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मतलब CA अपॉन AB यही तो करना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot C बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेस अपॉन परपेंडिकुलर सी एंगल का, सी एंगल का बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, तो यही आंसर आएगा कि नहीं, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5 आएगा, कौन सा ठीक है? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप देखेंगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसे आप खुद ट्राई करेंगे, जहां पर यहां cot था तो वहां पर cosec है, और कौन से एंगल का cosec पूछा हुआ है? एंगल A का, A एंगल का cosec पूछा है, आप मुझे बताओ, चलो मैं यही एक डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम क्या है हमारा, डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये मैं पांचवा क्वेश्चन बता रहा हूं, सॉरी सिक्स्थ, बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए मैं यहीं पर बता रहा हूं इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, राइट एंगल कहां पर है? राइट एंगल कहां बना हुआ है इसका? सी पर, सी पर राइट एंगल है, यहाँ क्या है? बी है, और यहाँ पर ए है, ठीक है, और वैल्यूज क्या गिवन है? ये है बी, यहाँ पर ए, और ये वाली साइड है सी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ cosec की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं? कौन से एंगल का? ए एंगल का, cosec ए की वैल्यू आपको निकालनी, cosec क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है ये? ए एंगल का, ए एंगल हमारा ये वाला है, ठीक है, ए एंगल ये वाला है, इसका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर करना है, हाइपोटेनियस तो वही है सेम, ठीक है, AB अपॉन परपेंडिकुलर, इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन होगा इसके सामने? BC, ठीक है, AB क्या है बताओ? AB क्या है? AB की वैल्यू C है, और BC की वैल्यू क्या है? A है, तो क्या आंसर आ गया? C, यस, C अपॉन A, तो cosec A की वैल्यू C अपॉन A है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है ये? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 22.2, टिल देन टाटा एंड बाय बाय।